हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में जो हम लोग आपको बताएंगे वो इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो NCERT का क्लास फिफ्थ का जो EVS का पेपर होता है वो आप सभी ने पता है कि 30 मार्क्स का CTET में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के रहते हैं। एंड जो 15 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट EVS से रिलेटेड होते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो क्लास फिफ्थ का चैप्टर फर्स्ट था, कैसे पहचाना TT ने दोस्त को, तो ये तो मैं कंप्लीट करवा चुकी थी। और जो दूसरा क्वेश्चन है आज हम लोग इस चैप्टर पर बात करेंगे, कहानी सपेरों की। तो कुछ डीप क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी होती है? बुक की रीडिंग ज़रूरी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जब आप बुक को रीड कर लेंगे तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के, आप उन क्वेश्चंस के आंसर क्लियरली दे पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी सपेरों की इस चैप्टर में क्या क्या है और कितने पॉइंट निकल करके आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इस कहानी सपेरों के अंदर क्या दिया हुआ है। हाँ सो फ्रेंड, आप लोग देखिए कि कहानी सपेरों की ये क्लास फिफ्थ का चैप्टर सेकेंड है। देखिए, सीटेट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप ये NCERT की बुक्स पढ़ें, और ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो इसको देख लेते हैं और इससे क्वेश्चन निकालें। देखिए, मैं हूँ आरनाथ, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इसमें बताया गया है कि तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजाता हूँ। तो जो बीन बजाता है वो शपेरा होता है, ये आपने सभी ने पता है। हाँ, मैं शापों को अपनी बीन की धुन में नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालवेलिया कहते हैं। जो देखिए, इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो सपेरे होते हैं, सपेरों को क्या कहते हैं? सपेरों को कालवेलिया कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन निकला है कि जो सपेरे होते हैं उनको कालवेलिया कहते हैं। इसके बाद देखिए कि मेरे दादा जो थे रोशननाथ जी, हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के हिस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी। तो सबसे पहले अब देखिए, यह आया है नागुफन। अब क्वेश्चन जैसे अगर आएगा तो संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नाग गुफन क्या कहलाता है। तो नाग गुफन क्या कहलाता है? ये नाग गुफन जो होता है, ऐसे डिजाइन होते हैं, रंगोली होती है, कढ़ाई होती है, जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत जो होता है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में जो नाग गुफन प्रयोग में लाया जाता है, ये एक रंगोली की कढ़ाई की डिजाइन होती है। तो यहाँ से ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए, अब शिक्षक संकेत किससे की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों के बारे में बताना है, उनके अनुभवों को शेयर करना है। इसके बाद देखिए इसके आगे क्या है, यादें दादाजी की। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे, हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी थी। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हुए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। हम जहां भी जाते थे हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते थे। हमें पता होता था कि हमारी टिन के डिब्बे, जो लोग रुक जाते थे उनको पता होता था कि टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते थे। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाइयों से लेकर कुछ लोगों की मदद कर पाता हूँ। तो अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है। अब देखिए, कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता था जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। जब इस सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता था कि सांप ने काटा है, तो मैं सांप के काटने की दवा देता था, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। तो इसके बाद देखिए, जानते हो कुछ ना कुछ सांप ऐसे होते थे जिनके काटते ही जान चली जाती थी, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता था तब मैं भागा हुआ आता था, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ, यहाँ एक सपेरा कहता है। अगला देखिए,
अगली पैराग्राफ में क्या दिया है कि इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब मैं बहुत बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना सिखाया। अब थोड़ा सा बताना है, क्या तुमने कभी किसी बीन को बजाते देखा है, कहाँ देखा? ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करना है, उनसे पूछना है। अब हम क्या करें, अब थोड़ा सा इसको भी रीड कर लेते हैं। आरनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव गांव घूमा करते थे, तो उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचू तो बहुत परेशानी होती है, सरकार ने कानून बना दिए हैं कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है कि ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची है। तो इसमें देखिए, अब थोड़ा सा शिक्षक संकेत है, अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और निकालने के तरीकों को बताया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि बुरी हालत में रखते हैं सांपों को, मारकर खूब पैसा कमाते हैं, बाराकूटी नहीं करते हैं सांप की। अब थोड़ा सा देखिए, हमारे कालबेलिया ना, अब जो कालबेलिया होता है ये एक सांप जैसी मुद्रा होती है जो नृत्य कहलाती है, मतलब हमारे। अब देखिए, अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया नाच में, कालबेलियन जो जनजाति होती है उनका कालबेलिया नाच होता है, वो जो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ये इससे दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है। फिर देखिए, आरना, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी, तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तो अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब देखिए, बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो हैं वो सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन ये है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको पॉज करके दिखाती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके यहाँ से दिखा रही हूँ कि बीन जो होती पार्टी के बाजे होते, तो बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी जो बीन, तुम्बा, खजरी जो होते हैं ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि बीन, तुम्बा, खंजरी हो जो होते हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, इसे आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगले पैराग्राफ में क्या दिया, देखिए कालबेलिया जो होती है ये एक नाच की मुद्रा होती है, कालबेलिया एक नाच की मुद्रा होती है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर अगला इस पैराग्राफ देखिए, तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की, उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है, उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं, सांप ना तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा शिक्षक संकेत पढ़ लेते हैं। इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है, इसी तरह के और क्षमताओं पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता, मतलब ये जरूरी नहीं है सभी लोग हमेशा जो जानवर होते हैं उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करते। अब देखिए, लिखा हो, क्या तुमने कभी जानवरों का खेल नाचते देखा है, तो इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये एनसीईआरटी में बहुत मोस्ट दिया हुआ होता है, ये देखिए, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। अब अगर ये लाइन आती है कि हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उसमें केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं, नाग, कुरैत, दुबोया और अफाई, ये होते हैं जहरीले सांप होते हैं। फिर से याद कर लीजिए, नाग, कुरैत, दुबोया और अफाई, ये जहरीले सांप होते हैं। तो देखिए, ये नाग है और ये जो इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दुबोया है, और ये जो है ये कुरैत है, और ये वाला जो है ये अफाई है। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और देखते हैं कि सांप जब किसी को काटता है तो उनकी दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, मतलब जो सांप होते हैं उसके दो खोखले दांत होते हैं। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर को असर खत्म करने के लिए दवाई, जिसे सीरम भी कहते हैं, वो दिया जाए।
यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि सीरम कैसे बनाया जाता है, तो सीरम जो होता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उसमें केवल चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। एक होता है नाग, कुरैत, दुबोया और अफाई। अगला देखिए, अब सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग और रोजी रोटी के लिए जानवर काम करते हैं। देखिए अपने स्कूल में, घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो। तो अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। और देखिए उनकी देखभाल कौन करता है, वो क्या खाते हैं। एक पुरानी जुबा लो, उसमें ये सब कठपुतली है, आंखों के लिए दो बिंदी, बटन चिपकाओ, ये क्रिएटिविटी है बच्चों के लिए, तो इसमें आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो क्या समझे, मतलब सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें यह लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो ये जो था, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ये कंप्लीट होता है यहीं पर। और इसके बाद हम लोग इसका थर्ड चैप्टर तुरंत ही लेकर के आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी की बुक्स, एक एक चैप्टर को हम लोग इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे हुए हैं। लगभग आपके 20 डेज, 20 से 22 डेज ही बचा हुआ है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन होती है वो बहुत यूजफुल होती है। और देखिए जो 75% पेपर आता है वो पेपर से ही आता है, बाकी जो पेडागोजी होती है ये तो आप लोगों से बन ही जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।